छत्तीसगढ़ जगदलपुर के एक प्रार्थी ने कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर आवेदन किया था। तब उन्हें एक कॉल आया कि कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर के द्वारा सहायक ग्रेड 3 के पद पर नौकरी के नाम पर 20,000 रूपए खाते में डालने होंगे। प्रार्थी ने 20,000 रूपए उक्त खाते में डाल दिए और उसे फर्जी नियुक्ति का आदेश भी दिया गया। कुछ दिन बाद जब प्रार्थी को ठगी का एहसास होने लगा तो उसने मोबाइल धारक एवं खाता धारक के विरुद्ध थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और आरोपी को बिहार नालंदा में पाया गया। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ करने पर आरोपी ने ठगी करना स्वीकार किया। वहीं एक अन्य घटना में अज्ञात आरोपी द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से कॉल करके जियो सिम बंद होने की बात करते हुए सिम को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए वेरिफिकेशन के नाम पर प्रार्थी को अपने मोबाइल पर क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड करने को बोला। जब प्रार्थी ने ऐप डाउनलोड किया तो उसे मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से 10 रूपए रिचार्ज करने को बोला गया। रिचार्ज करने के तत्काल बाद प्रार्थी के खाते से अलग अलग किस्तों में 6,40,000 रूपए कट गया। प्रार्थी ने इसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज करवाई। मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और बिहार नालंदा में संदेह के आधार पर 2 व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया। जन से पूछताछ करने पर बंद सिम का झांसा देकर वेरिफिकेशन के नाम पर ठगी करना स्वीकार किया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की तहकीकात जारी है। बस्तर जिले अंतर्गत है जिसमें थाना कोतवाली और थाना दरभा अंतर्गत जो है टेलीफोनिक फ्रॉड के 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को असफलता मिली है। जून 2022 के दौरान इस मामले के प्रार्थी गणेश राम उन्हें जो है सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर अज्ञात आरोपी के द्वारा जो है 20,000 रूपए की ठगी किया गया था और जिस पर जो है 420 भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था। ठीक इसी तरीके से थाना दरभा अंतर्गत इस मामले के जो प्रार्थी हैं श्री प्रकाश पांडे उन्हें जो है उनकी जियो सिम बंद होने और दोबारा रीएक्टिवेट करने और वेरिफिकेशन के नाम पर जो है किक सपोर्ट नामक जो है अनवांटेड ऐप डाउनलोड कराकर जो है 6,40,000 रूपए की ठगी किया गया था जिस पर थाना दरभा में 420 भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। दोनों मामलों में आरोपी की जो उपस्थिति की जानकारी बिहार में होने की सूचना पर जो है निरीक्षक किशोर केमट और दिनेश यादव के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीम बिहार रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा जो है दरभा में दोनों मामलों में अलग अलग गिरोह के जो है 3 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है जिसमें थाना कोतवाली अंतर्गत चंदन कुमार और थाना जो दरभा अंतर्गत चंद्रकांत और नीरज कुमार नामक व्यक्तियों को जो है पकड़ा गया है और जिनसे पूछताछ पर इनके द्वारा जो है और चंदन कुमार के द्वारा कोतवाली में जो है शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करना और चंद्रकांत और नीरज के द्वारा जो है मोबाइल की सिम को जो है वेरिफिकेशन के नाम पर जो है 6,40,000 रूपए ठगी करना स्वीकार किया गया है और दोनों मामलों में जो है तीनों आरोपियों से 2,89,000 रूपए नकद और 18 नग मोबाइल 38 सिम इसके अलावा 9 डेबिट कार्ड और आवश्यक दस्तावेज बरामद किया गया है। मामले में तीनों आरोपियों को जो है बस्तर पुलिस के द्वारा बिहार से जो है उन्हें गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया है। इन्हें पुलिस रिमांड पर अभी पूछताछ किया जा रहा है और इनके जो इसके अलावा पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी जो है दूसरे जिलों से जो है लिया जा रहा है। फिलहाल ये दोनों मामले थाना कोतवाली और दरभा के अंतर्गत। टीसीपी 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।